अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो रमज़ान का ये 17वां रोज़ा है और आज जुमा का दिन है, तो सबसे पहले आप सब के लिए जुमा मुबारक। तो आइए 17वें रोज़े की हम रूटीन शेयर करते हैं। तो ये सारी तैयारी हमने कर ली है, यहाँ पर चाउमीन बनाएंगे। तो चाउमीन के लिए ये सारी सब्जियाँ काट ली हैं, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज, गाजर, मटर और ये स्वीट कॉर्न। और रशियन कबाब के लिए हमने यहाँ पर ये सारी सब्जियाँ काट ली हैं और ये आलूओं को उबाल कर छील लिया है। और कोटिंग के लिए हमने सिवई ली हैं और इसकी सिलेरी बनाएंगे। तो ये मैदा रखी है और अनियन रिंग्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर ये अनियन को हमने गोल गोल काट लिया है और इसका हम बैटर बनाएंगे। और आज हमारे घर में बन रहा है मसाला कलेजी, तो यहाँ कलेजी को हमने धो लिया है और ये मिर्च को भी बारीक पीस लिया है, मतलब दरदरा सा पीस लिया है, और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये सारी चीज़ों को बनाना। तो चलिए जल्दी से हम ये रशियन कबाब को पहले तैयार कर लेंगे। तो एक बड़े से बर्तन में ये सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए रशियन कबाब हमने तैयार कर लिए हैं, बहुत ही मज़े के रशियन कबाब लग रहे हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। और अब इन्हें बनाने के बाद में इस पर लगाएंगे हम कोटिंग। तो ये रशियन कबाब वेज भी बनते हैं और नॉन वेज भी बनते हैं, इसे हम चिकन के साथ में भी बनाते हैं। तो आप लोगों को कैसे रशियन कबाब पसंद है, वेज वाले या नॉन वेज, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ। तो ये देखिए आपसे बातें करते करते ही ये कबाब भी तैयार हो गए। अब इस पर लगाएंगे हम कोटिंग। तो हाथों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है क्योंकि रोज़े का टाइम भी हो रहा है। तो ये देखिए हमारे रशियन कबाब बनकर तैयार है और डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स कर लेंगे जल्दी से। तो ये देखिए हमने इसकी सिलेरी तैयार कर ली है और सिवई को हम थोड़ा सा बारीक कर लेंगे इस तरह। चलिए तो अब हम करेंगे इसकी कोटिंग। तो ये डालेंगे तो ये देखिए इस तरह की कोटिंग लगाकर रशियन कबाब को हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए जब ये फ्राई होंगे तो बहुत क्रिस्पी लगेंगे। तो बस इस तरह के रशियन कबाब बनाकर हम तैयार कर लेंगे। चलिए तो हम रशियन कबाब को फ्राई कर लेते हैं और यहाँ पर तेल को हमने गरम कर लिया है। तो ये थोड़ा सा तेज तेल गरम हो जाए तभी हम फ्राई करेंगे। बस अब ईद को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम बचा है। तो आप लोग की ईद की तैयारियां तो शुरू हो गई होंगी और हमारे यहाँ तो लॉकडाउन लगा है, इस वजह से हमारे यहाँ कोई तैयारियां नहीं हो रही हैं, जो है जैसा है हमें उसमें ही करना पड़ेगा। तो ये देखिए रशियन कबाब अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुए हैं, सही देख रहा है आपको। तो ये देखिए शामी कबाब भी बनकर तैयार है। चलिए तो दस्तरखान हम लगाते हैं। तो दस्तरखान पे ये सारी चीज़ें लग चुकी हैं और आप भी आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ रोज़ा इफ्तार कर लीजिए। तो रोज़ा इफ्तार हमने कर लिया है और मगरिब की नमाज ही पढ़ ली है और नमाज पढ़ के अब हम आए हैं किचन में। तो किचन सारा बिखरा हुआ है, तो सबसे पहले हम किचन की सफाई करेंगे, बर्तन धोएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे चाय। तो आप देख सकते हैं ये बर्तन, और अभी बर्तन ये तो कम है, अभी और निकलेंगे। ये देखिए तो ये देखिए ये बर्तन है, अभी और निकलते जा रहे हैं। ये देखिए तो सबसे पहले हम बर्तन धो लेते हैं और फिर इसके बाद में हम बनाएंगे चाय। कलेजी की सालन बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की ये सालन लग रही है। ये देखिए तो ये सालन तैयार है और यहाँ पर हमने आटा भी गूंद के रख दिया है। तो रोटियाँ हम बनाएंगे सहरी में और गर्मा गर्म रोटियाँ बनाएंगे, तो इसके साथ हम लोग खाएंगे। तो चलिए अभी हम ये आटे को ढाँक कर और फ्रिज में रख देंगे और ये सालन को भी ढाँक देंगे। तो ये सालन और आटा दोनों तैयार हैं सहरी के लिए। चलिए तो हम थोड़ा सा टहल लेते हैं, यानी वॉक कर लेते हैं, और नमाज और तरावी हमने पढ़ ली है। खाना हम लोग खाते हैं सहरी में, अफ्तार के बाद में हम लोग खाना नहीं खाते क्योंकि अफ्तारी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर भूख लगती नहीं है।
तो अब हम थोड़ा सा टहल लेंगे। और रमज़ान का ये दूसरा असरा चालू हो गया है और 3-4 दिन से बहुत तेज़ गर्मी भी पड़ रही है, बहुत गर्म हो रहा है, धूप भी बहुत तेज़ निकल रही है। अल्लाह रहम करे रोज़दारों पर। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर 10 मई तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत कोरोना के मरीज़ निकल रहे हैं। और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि कोरोना जो बीमारी है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और लोगों की ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल आ जाए। तो आज का ब्लॉग करते हैं हम यही एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए ताजे ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।